हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम मटेरियल टॉपिक में कौन से कौन से आइटम्स ऑफ कॉस्ट को मटेरियल कॉस्ट में ऐड करते हैं या मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं उसका ट्रीटमेंट सीखना सीखने वाले हैं टोटल सिक्सटीन पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट पूछती है उनको डिस्कस कर पहला आइटम है ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा परचेज प्राइस से माइनस किया जाता है दूसरा आइटम है क्वान्टिटी डिस्काउंट इसको भी परचेज प्राइस से डिडक्ट करना होता है तीसरा आइटम है कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को इग्नोर करना होता है ना तो वो डिडक्ट होता है ना ऐड होता है उसको छोड़ना होता है है नेक्स्ट आइटम गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी को भी परचेस कॉस्ट में डिडक्ट करना होता है नेक्स्ट आइटम है रोड टैक्स या टोल टैक्स चूंकि इसको बायर बियर करता है इसीलिए इसको भी परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल में ऐड करेंगे नेक्स्ट आइटम है एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय सेम लॉजिक इसको भी बायर बियर करता है इसलिए इसे भी परचेस प्राइस में ऐड करेंगे नेक्स्ट आइटम है जीएसटी और परचेस टैक्स इसमें कंसेप्ट है कि अगर जो जीएसटी हम पे कर रहे हैं उसका हमको क्रेडिट मिलने वाला है तो उसको इग्नोर करेंगे और अगर क्रेडिट नहीं मिलने वाला है तो हमको उसको कॉस्ट में जोड़ना है नेक्स्ट आइटम है पेनाल्टीज जिनका नाम होता है डेमरेज डिटेंशन चार्जेस पेनाल्टी इन सभी को मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ना नहीं है मटेरियल की कॉस्ट पेनाल्टीज अलग अलग चीजें होती है पेनाल्टी को मटेरियल की कॉस्ट में कभी नहीं जोड़ना चाहिए और कुछ अदर एक्सपेंडिचर जैसे इंश्योरेंस इसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है कमीशन या ब्रोकरेज को भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है फ्रेट इन्वर्ट को भी मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है कॉस्ट ऑफ कंटेनर के बारे में नॉलेज ये है कि अगर ये कंटेनर रिटर्नेबल हैं वापस हो जाएंगे तो इसको इग्नोर करेंगे और अगर ये कंटेनर्स जो मटेरियल के साथ आए हैं ये रिटर्न नहीं होने वाले ये हमारे साथ ही रहने वाले हैं तो इसको मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करेंगे आखिरी आइटम है शॉर्टेज यानी माल चोरी हो जाना अगर शॉर्टेज होना या माल कम हो जाना इवोपरेशन वगैरह की वजह से नेचुरल रीजन से होता है तो इसकी कॉस्ट इन खो गए यूनिट्स की कॉस्ट दूसरे यूनिट्स बियर करेंगे यानी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के टाइम पर हम ये शॉर्टेज वाले यूनिट्स को डिनोमिनेटर में हटा देंगे और अगर ये एब रीजन से हुआ है जैसे चोरी हुई है तो इसका नुकसान कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर होता है तो ये है सोला आइटम्स का ट्रीटमेंट थैंक यू